आपके स्क्रीन पर योगिता भयाना नाम की एक ट्विटर यूजर हैं, जिन्होंने एक तस्वीर को ट्वीट करते हुए कहा है कि चंदौली यूपी में इलाज के बहाने कथित बाबा ने युवती से किया रेप, कई नेताओं के संपर्क में रहा है आरोपी। तो उनके ट्वीट पर जो है किसी ने जवाब दिया, झूठा केस पुलिस ने कहा और तुमने मान लिया और सनातनी को बदनाम कर रही हो। ये तो मतलब सबसे इन लोगों का जो है फेवरेट वाला सनातनी अब आ गए। यहाँ पे वो बता रही है कि एक लड़की का रेप हुआ किसी बाबा ने किया, तो ये पूरा सनातन मतलब पूरा धर्म को ही उठाकर लेकर चले आते हैं, पूरा धर्म मुद्दा बना लेते हैं। यहाँ लड़की के साथ रेप हुआ, बेटी बचाओ का नारा है भैया, बेटी बचाओ मोदी जी ने नारा लगाया है, इस पर ध्यान दो, है ना। ये सनातनी अनातनी ये बाद में कर लेना, पहले उस लड़की को इंसाफ दिलाओ जिसको बाबा ने रेप किया है, है कि नहीं। खैर डिफरेंट डिफरेंट जो है इसमें कमेंट आए, इसमें बहुत सारे लोगों ने जो है सजा की मांग की, किसी ने कहा कि फांसी पर लटका दिया जाए, किसी ने कहा कि सजा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह से भी कमेंट थे। लेकिन सबसे जबरदस्त वाला कमेंट आपकी स्क्रीन पर, जी हाँ, तो भाई साहब लिखते हैं, नेपाल बॉर्डर के पास महाराजगंज के मदरसे में हिंदू दलित महिला से गैंग रेप, इसे जादू टोना करने के बाद बहाने से उत्तर प्रदेश के मऊ से अगवा कर लिया गया, आरोपी मौलाना मोहम्मद इस्लाम और मोहम्मद सलमान गिरफ्तार। वाह, जवाब नहीं आपके ट्वीट का, अच्छा हुआ आपने बता दिया वरना हमें तो पता ही नहीं चलता, लेकिन नहीं है ना। जैसा कि मैंने कहा, जैसे कि इस भाई ने जो ट्वीट किया गलत नहीं होगा, गलत इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किए होंगे, हो सकता है मौलाना ही किया, मौलाना और जो है बाबा धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करते, हिंदू धर्म कोई बाबा रिप्रेजेंट नहीं करता, या कोई मौलाना जो है ना वो इस्लाम धर्म रिप्रेजेंट नहीं करता, ये बात तुम लोगों के भेजे में क्यों नहीं जाती। अगर कोई मौलाना रेप करा वो इंसान है, कर सकता है, इंसान जो है वो गलती का पुतला है, ठीक है ना, सिर्फ वो जो ऊपर वाला जो है ना, या भगवान बोलो या अल्लाह बोलो, सिर्फ वही जो है गलती से पाक और बेऐब है, वही गलती नहीं करता, इंसान गलती करता है, तो इंसान की औकात नहीं है किसी धर्म को रिप्रेजेंट करने की, ये बात मोटी अकल में जाती नहीं। जुर्म को जुर्म की नजर से क्यों नहीं देखते, रेप जिसने भी किया है या गैंग रेप जिसने भी किया है वो एक रेपिस्ट कहलाता है, मौलाना और बाबा नहीं कहलाता, उस कैटेगरी में फिर वो होता ही नहीं। नहीं समझ आती बात, रेपिस्ट चाहे मौलाना हो चाहे बाबा हो, फर्क पड़नी नहीं चाहिए, धर्म मत देखो, जुर्म देखो कि उसने एक लड़की का जो रेप करके उसकी जिंदगी बर्बाद की और उसको उसी हिसाब से उसके जुर्म के हिसाब से उसको सजा दिलाओ। ये हिंदू मुस्लिम वाला गेम जरा अब बंद करो, बहुत पुराना और घटिया वाला हो गया, पूरी दुनिया हम पर थूक रही है इस चीज को लेकर कि देखो हमारे भारत में लोगों के पास कितना फुर्सत है, काम धाम तो है रही, तो बस यही हिंदू मुस्लिम यही करते रहो, जुर्म को जुर्म के नजरिए से देखो, ना कि हिंदू मुस्लिम फसाद फैलाओ, बात समझ आ रही है। चाहे वो मौलाना कर ले या चाहे कोई बाबा कर ले, ढोंगी बाबा, गलत गलत होता है, उसको जस्टिफाई करने के लिए तुम किसी तीसरे धर्म को उठाकर कि वहां पर भी किया, अगर बाबा करता है रेप और दूसरी तरफ कोई मौलाना कर लेता है रेप, तो क्या वो सही हो जाता है, हर हालत में दोनों गलत ही होते हैं, बात भेजे में घुसाओ और जरा कायदे में आओ। खैर ये इन जैसे चपड़गंजू हैं, ये समझने वाले किसी जात के नहीं है, क्योंकि इन लोगों का जो दिमाग है ना, ये देखिए समझ रहे हैं, बहुत बड़ी जबरदस्त पिक है ये, मतलब समझा देती है पूरा बिना अल्फाजों के, तो समझ रहे, तो ये जो है अंधभक्त, ये यही है, यही इनका जो है ये काम कर रहा है बस, तो इनको लाख बोलो लाख समझा लो, ये लोग सुधरने वाली जात के बिल्कुल नहीं है, बस आपका काम है कि आप वीडियो शेयर कर दीजिए, जो समझने वाले लोग हैं वो जरूर समझ जाएंगे। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, और हाँ बेटी तो हम पढ़ा लेंगे लेकिन बेटी बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ज्यादा ध्यान अब न्यू इंडिया में बेटी बचाने पर दीजिए, तो अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का, अपनी बहुओं का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, बहुत ज्यादा ख्याल, ठीक ना। चलिए आज एंडिंग इनकी तरफ से, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, जय हिंद अल्लाह हाफिज, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, जय हिंद अल्लाह हाफिज।